गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। एक बार फिर से गायत्री ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बेटा, लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी संयोजन अभिक्रिया से संबंधी, जिसके आपको मैंने कई सारे एग्जांपल कराए थे। उसके बाद में लास्ट जो हमने एग्जांपल दिया था आपको, एथीन के हाइड्रोजनीकरण का दिया था। मैंने आपको बताया था एथीन का हाइड्रोजनीकरण, ये आपको मैंने लास्ट एग्जांपल संयोजन अभिक्रिया में बताया था। एथीन का अणुसूत्र क्या होता है बेटा, कैसे इसको डिनोट करेंगे अपन? देखो, एथ के लिए हम कार्बन लेते हैं दो। कितने कार्बन लेते हैं? दो। और यदि जहाँ पर इन लगा होता है, इन के लिए कार्बन कार्बन के मध्य में लगाते हैं द्विबंध। मैंने आपको बताया था, यदि आपको एकल कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध दिखाई देता है, वहाँ पर लगाते हैं एन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध दिखाई देता है, वहाँ पर लगाते हैं इन। और यदि कार्बन कार्बन के मध्य में त्रिबंध आपको दिखाई देता है, तो वहाँ पर लगाते हैं हम आयन। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य में क्या लगा हुआ है? दो द्विबंध लगा हुआ है। तो ये क्या है? इन। उसके लिए क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। जैसे दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। और द्विबंध के लिए क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। तो नाम क्या हो गया इसका? एथीन। और संयोजकता हमेशा कार्बन की कितनी होती है? चार होती है। और उसको संयोजकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसकी पूर्ण करते हैं? हम हाइड्रोजन से पूर्ण करते हैं। तो देखो, एक दो तीन चार हाइड्रोजन जोड़ दो इसके साथ में। इसी प्रकार से इस कार्बन की संयोजकता पूरी करेंगे तो एक दो तीन चार, तो ये हो जाता है आपका एथीन। एथीन का क्या करा रहे हैं हम? हाइड्रोजनीकरण करा रहे हैं। H2 से अभिक्रिया जब कराई जाती है तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है? दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन एक एक इससे जोड़ दो, एक इस कार्बन परमाणु से जोड़ दो, एक इस कार्बन परमाणु से जोड़ दो, तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाता है? CH3 एकल बंध CH3, जिसे बोलते हैं, दो कार्बन को बोलते हैं एथ, और एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? एन। नाम क्या हो गया? एथेन। तो आपसे दो तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है। सीधा पूछ लिया जाता है, एथीन के हाइड्रोजनीकरण का रासायनिक समीकरण दीजिए तथा अभिक्रिया का नाम बताइए। तो एथीन के हाइड्रोजनीकरण का समीकरण ये होता है और अभिक्रिया का नाम होता है संयोजन अभिक्रिया। और कभी कभी ये इस तरीके से पूछ लेता है कि एथीन से एथीन के निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए तथा अभिक्रिया का नाम बताइए। तो एथीन से एथीन का निर्माण किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होती है। ये हम आपको लास्ट बात कर चुके थे। तो देखो बेटा, मैंने आपको ये कई बच्चों ने मेरे से पूछा था कि इसको किस तरीके से, हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, CH2 द्विबंध CH2। हाइड्रोजन को ये दो परमाणु हैं, हम इसको इस तरीके से खोल के डिनोट कर सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन को इससे जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन को इससे जोड़ देते हैं। तो यहाँ से ये जो द्विबंध होता है, ये एक द्विबंध यहाँ से, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ से क्या हट जाता है? अलग हो जाता है। और एक एक हाइड्रोजन परमाणु इनसे क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया तो CH3 हो गया, एकल बंध CH3। तो कार्बन की संयोजकता देखते हैं, तो देखो तीन और एक क्या हो गया? चार। तीन और एक चार, दोनों की संयोजकता पूरी। यदि हम इसको खोल के देखें तो हम इस तरीके से, एकल बंध सी, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस तरीके से इसके एक इस कार्बन से भी कितने जुड़े हुए हैं? तीन हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन की संयोजकता देखते हैं, तो देखो एक दो तीन चार, इसकी संयोजकता पूरी है। इसकी देखते हैं तो एक दो तीन चार, तो दोनों कार्बन परमाणु की क्या हो जाती है? संयोजकता पूरी हो जाती है। और इसका नाम क्या होता है? एक दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। सभी में एकल बंध दिखाई दे रहा है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेन। तो ये अभिक्रिया कौन सी है अपनी? संयोजन अभिक्रिया। किसका उदाहरण है? ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। और यदि ये कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है? कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया। इसको हम कार्बनिक
संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया, कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये क्या भाग ले रहे हैं, कार्बन परमाणु भाग ले रहे हैं, अर्थात हाइड्रोकार्बन इसके अंदर भाग ले रहे हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाती है, कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया का कहलाती है, ठीक है ना। दूसरा यदि हम और भी एग्जाम्पल देखें तो एक एग्जाम्पल और होता है इसका, हम उसको भी बताएं, तो वो भी कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। जैसे हम देखते हैं, देखो वो CH2 द्विबंध CH2, इसकी अभिक्रिया यदि हम HCl से करा देते हैं तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा इसके साथ में, और ये क्लोरीन परमाणु इस CH2 के साथ में जुड़ जाता है, क्या बन जाएगा आपका, यहाँ तो क्या हो जाएगा CH3 एकल बंध, CH2 से क्या जुड़ गया, CH2 के साथ में क्या जुड़ गया, Cl जुड़ गया, तो Cl जुड़ गया तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई, देखो 2, 3 और 1, 4 इस कार्बन परमाणु की पूरी है और 3 और 1, 4 इसकी भी पूरी है। तो इस तरीके से ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का क्या है ये उदाहरण होता है, ठीक है ना, जिसको हम एल्किल क्लोराइड के नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या होगा, एल्किल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, एल्किल क्लोराइड, ये आपका HCl है, इसको मैंने इस तरीके से खोल के लिख दिया है HCl, और ये आपका एथीन है, तो ये भी कैसा है, कार्बनिक संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है, इसको भी हम संयोजन अभिक्रिया के अंदर उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, ठीक है ना। इसमें केवल एकल उत्पाद ही तो बना है, इसके प्लस में कुछ भी तो नहीं है, तो ये कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो मैं आपको यही बता चुका हूँ इसकी संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ये आपको मैं लास्ट वीडियो में करा चुका था। उसके बाद में अब अपनी सेकेंड अभिक्रिया आती है, सेकेंड अभिक्रिया है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, सेकेंड अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो बेटा विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, सेकेंड अपनी है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। अब ये विस्थापन अभिक्रिया या इसी को ही हम कहते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है, दोनों एक ही नाम है, किसी भी नाम से वो आपसे पूछ लेता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर नाम से आपको मालूम हो रहा है विस्थापन अर्थात विस्थापित होना या अलग होना, विस्थापन का अर्थ क्या होता है, अलग होना, विस्थापन का अर्थ क्या होता है, प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है, दोनों का अर्थ एक ही निकल के आता है, अलग होना। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका अभिकारक है, उस अभिकारक के अंदर कोई भी अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यदि हटा देती है और उसकी जगह पर स्वयं खुद जुड़ जाती है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है आपकी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी, जैसे मान लिया कोई भी आपके ये संयोजन अभिक्रिया में आपने देखा था एक जोड़ा है इस तरीके से, ये दोनों का ए और बी का क्या था, जोड़ा था, ये आपने संयोजन अभिक्रिया में पढ़ लिया। अब इस जोड़ा, ये जोड़ा आपको संयोजन अभिक्रिया से मिला, अब तीसरा कोई व्यक्ति यहाँ पर सी, ये तीसरा कोई भी व्यक्ति आता है और ये तीसरा जो व्यक्ति है वो अधिक ताकतवर है, अधिक ताकतवर है। अब ये अधिक ताकतवर होने के कारण यहां से इसको ए को क्या कर देगा, हटा देगा
और उसके स्थान पर स्वयं क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इस ए को यहाँ से हटा देगा और उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, स्वयं जुड़ जाएगा। तो हमारे पास में क्या बन जाता है, इसने ए को हटा दिया तो बी के साथ में कौन जुड़ गया, बी और सी जुड़ गया, ठीक है ना। और क्या अलग कर दिया आपने, ए को क्या कर दिया उसने, अलग कर दिया। तो भैया अधिक ताकतवर था सी, इस अधिक ताकतवर सी ने इस ए को यहां से क्या कर दिया, हटा दिया, अर्थात विस्थापित कर दिया, अर्थात प्रतिस्थापित कर दिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, हटा देती है, तो वो अभिक्रिया आपकी कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। मैं कई बार आपको इसको समझा भी चुका हूं, कई बार मैंने आपको इसको बताया भी है यहाँ पर, मैं और सीधे ढंग से समझा नहीं सकता हूँ, क्लास में अलग टाइप से मैंने इसको समझा दिया है आपको। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ए और बी एक जोड़ा है और उस जोड़े के साथ में अभिकारक में कोई एक अधिक ताकतवर अपने से कम क्रियाशील धातु को या कम ताकतवर को क्या कर देता है, हटा देता है और उसके स्थान पर खुद जुड़ जाता है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल, हम देखेंगे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, इसकी यदि हम परिभाषा देखें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर किसी दूसरे परमाणु या समूह दूसरे परमाणु या समूह का आना समूह का आना विस्थापन कहलाता है, विस्थापन कहलाता है तथा वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक के मध्य कोई भी अभिकारक होगा, उस अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर किसी दूसरे परमाणु या समूह का आना क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, तथा वह अभिक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यदि हम इसकी सेकंड डेफिनेशन देखें तो क्या डेफिनेशन होगी कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में उपस्थित अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को
कम क्रियाशील, उपस्थित अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को हटा देती है, हटा देती है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोनों डेफिनेशन है, आप किसी भी जो आपको अच्छी लगती है वो उस डेफिनेशन को आप याद रख सकते हो। तो बेटा ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें किसी अभिकारक में उपस्थित अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, हटा देती है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी ए और बी दोनों का क्या है, जोड़ा है, और यदि कोई तीसरा व्यक्ति आता है और इस तीसरा व्यक्ति कोई सी आता है और इसमें से इस ए को क्या कर देता है, यहाँ से ये अधिक ताकतवर है, अधिक ताकतवर होने के कारण ये ए को यहाँ से क्या कर देता है, हटा देता है और उसके स्थान पर खुद क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ए को क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर। जैसे आपको देखना है CuSO4 प्लस ZN क्या बन जाएगा बेटा, ये अधिक क्रियाशील धातु है और ये कम क्रियाशील धातु है किसकी तुलना में, जिंक की तुलना में। तो ये जो ZN होता है वो इस Cu को यहां से क्या कर देता है, हटा देता है और उसके स्थान पर Cu के स्थान पर कौन जुड़ जाता है, ZN जुड़ जाता है। तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu। तो बेटा यहां से इस जिंक ने, ये क्या चीज है, जिंक जिसे हम जस्ता भी कहते हैं, जस्ता भी कहते हैं, इस जिंक ने इस कॉपर को यहां से क्या कर दिया, हटा दिया। इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। इस कॉपर को यहां से हटा दिया और उसके स्थान पर ये जिंक जुड़ गया, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट। क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर इससे क्या हो गया, अलग हो गया। तो बेटा इस अधिक क्रियाशील धातु ने इस कॉपर को यहां से क्या कर दिया, हटा दिया और उसके स्थान पर खुद जुड़ गया। तो ऐसी अभिक्रिया, अर्थात इसने इसको यहां से क्या कर दिया, हटा दिया, अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो जिसमें अधिक क्रियाशील धातु, तो जिंक अधिक क्रियाशील धातु है, इसने कम क्रियाशील धातु कॉपर को यहां से क्या कर दिया, हटा दिया और उसके स्थान पर खुद जुड़ गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, हटा देती है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर, ठीक है ना बेटा। इसके लिए आपको एक बात यहां पर ध्यान रखनी होती है बेटा, ध्यान रखने की जो बात है वो आती है कि इसके अंदर ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं इनके अंदर क्या होता है, आपको नोट में मैं यहां पर लिखाना चाहूंगा कि इन अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंधों का निर्माण होता है। तो बेटा आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, देखो CuSO4 अभी आपने देखा था CuSO4, इसके मध्य में इससे बना क्या है, ZnSO4
SO4 बना है। तो बेटा ये CU और SO4 के मध्य में जो बंद बने हुए थे वो पुराने बंद थे, तो ये पुराने बंद तो क्या हो गए, टूट गए, और ये ZnSO4 बना है ना, इसने इसको यहां से कॉपर को हटा दिया और उसके स्थान पर कौन जुड़ गया, ZN जुड़ गया। तो ZN को जुड़ने से नए बंधों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, नए बंध का क्या हुए हैं, बने हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको कि विस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर जो बने हुए, पहले से बने हुए पुराने जो बंध होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, वो तो टूटते हैं, और नए बंधों का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। क्लियर बात बेटा, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और यदि एक एग्जाम्पल से हम समझना और चाहें तो हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे देखो Fe SO4 प्लस Mg, Fe SO4 प्लस Mg, यह क्या है आपका, आयरन सल्फेट, ये क्या है, मैग्नीशियम। अब ये मैग्नीशियम अधिक ताकतवर है किससे, Fe से, तो ये मैग्नीशियम इस Fe को यहां से क्या कर देगा, हटा देगा। मैग्नीशियम ने इस Fe को क्या कर दिया, हटा दिया, उसके स्थान पर क्या हो गया, खुद जुड़ गया, तो क्या बन गया, Mg SO4 प्लस अलग क्या हो गया, Fe। तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट, क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट, और आयरन इससे क्या हो गया, अलग हो गया, आयरन क्या हो गया, अलग हो गया। तो मैग्नीशियम सल्फेट पहले क्या था, आयरन सल्फेट, अब क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट। तो आपको ध्यान रखना है कि आयरन सल्फेट, तो इसके आयरन सल्फेट के अंदर पुराने एक बंध थे और नया यौगिक इससे क्या बन गया है, मैग्नीशियम सल्फेट बना है। तो पुराने बंध टूटकर नए बंधों में मैग्नीशियम सल्फेट बना है, तो नए बंधों का क्या हो गया, यहां पर निर्माण हो गया। तो विस्थापन अभिक्रियाओं में आपको ध्यान रखना होता है कि पुराने बने हुए जो बंध होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, टूटते हैं, और नए बंधों का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, हटा देती है और उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाती है, तो वो अभिक्रियाएं आपकी क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर बेटा, तो आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि ये मैग्नीशियम क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, Fe क्या है, कम क्रियाशील है, इस अधिक अभिक्रियाशील धातु ने इस कम क्रियाशील धातु को क्या कर दिया, हटा दिया, उसके स्थान पर खुद जुड़ गए, अर्थात नए बंधों का निर्माण करके MgSO4 का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया, और आयरन उससे क्या कर दिया, अलग कर लिया। तो बेटा आपको पहचानना कैसे है कि कौन सी अभिक्रिया है, मैंने आपको बताया था कि यदि आपको ऐसी अभिक्रियाओं में एक तो जोड़ा दिखाई दे, मैंने आपको बताया ये A और B का क्या है, जोड़ा है, और ये C कोई अलग व्यक्ति है, तो दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ यदि एक तो जोड़ा दिखाई देता है आपको और एक व्यक्ति अकेला दिखाई देता है, अभिकारक के अंदर भी और उत्पाद के अंदर भी, यदि एक तो जोड़ा दिखाई दे और एक व्यक्ति आपको अकेला दिखाई दे, एक जोड़ा दिखाई दे एक व्यक्ति आपको अकेला दिखाई दे, तो वो अभिक्रिया आपको आंख बंद करके कौन सी अभिक्रिया कर देनी है, विस्थापन अभिक्रिया कर देनी है। कौन सी अभिक्रिया होगी, वो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होता है।
क्लियर ध्यान रखना है। यहां पर देखो ये ए और बी का जोड़ा है, सी अकेला है, यहां पर भी ये ए और बी का जोड़ा बन गया और यहां पर ये सी क्या हो गया, अकेला हो गया। तो आपको दोनों तरफ एक जोड़ा दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति अकेला दिखाई दे रहा है। तो जिसमें आपको एक जोड़ा और एक व्यक्ति अकेला दिखाई दे तो वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उसको पहचानने के लिए, पहचानने का एक ही तरीका होता है, यदि आपको उत्पाद में और अभिकारक में दोनों में एक जोड़ा दिखाई दे और एक व्यक्ति अकेला दिखाई दे तो वहां पर अभिक्रिया कौन सी करनी है, आपको विस्थापन अभिक्रिया करनी है। ठीक है ना, आपको कभी कभी इस तरीके से भी दे देता है वो, जैसे K2SO4 प्लस Mg। अब यहां पर ही आपको छोड़ देता है K2SO4 प्लस Mg। तो अब आपको ध्यान रखना है बेटा, इसमें K2 पोटेशियम और मैग्नीशियम, इनमें से दोनों में से अधिक क्रियाशील कौन सा है, ये तो अभी आपको मालूम नहीं है कि हमको आप कैसे पहचान पाओगे। तो उसके लिए हम आगे आपको एक श्रेणी बताएंगे जिसमें आप उसकी क्रियाशीलता के आधार पर तत्वों को आसानी से पहुंच जाएगा कि कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। तो बेटा यहां पर ध्यान रखना है आपको, ये जो पोटेशियम होता है मैग्नीशियम की तुलना में क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। ये क्या है, अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है ये। और ये कैसा है, कम क्रियाशील, कैसा है ये, कम क्रियाशील है ये। तो बेटा ये कम क्रियाशील है ना, तो ये कम क्रियाशील होने के कारण इसको यहां से K2 को यहां से हटा नहीं पाएगा, यहां से इसको ये मैग्नीशियम इसको यहां से क्या नहीं हटा नहीं पाएगा। इसीलिए ये अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है, ये अभिक्रिया क्या नहीं होगी, पूर्ण नहीं होगी, या अभिक्रिया संभव नहीं होगी, अभिक्रिया संभव नहीं है, ये अभिक्रिया बिल्कुल भी संभव नहीं होगी। क्लियर, ध्यान रखना है आपको, ये अभिक्रिया कभी भी संभव नहीं हो सकती है। यदि ये उल्टा होता, इस तरीके से होता कि MgSO4 प्लस K, तो बेटा ये जो आपको ध्यान रखना है MgSO4 ये अधिक अभिक्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है। अब ये K यहां से इसको क्या कर देगा, हटा देगा, तो क्या बन जाएगा, KSO4 प्लस Mg बन जाएगा। इसने K ने इस Mg को यहां से हटा दिया और क्या बन गया, KSO4। अब इसको समीकरण को संतुलित करना है बेटा, ध्यान रखना है आपको कि KSO4 कुछ नहीं होता है, आपको मालूम है। कैसे संतुलित करोगे, K की संयोजकता क्या होती है, एक होती है SO4 की, दो, कितना चार्ज होता है K पर, एक होता है SO4 पर, कितना होता है, दो होता है। तो आपको ध्यान रखना है, बजगुणा किया तो क्या आ जाएगा अपने पास में, K कितना हो गया, 2, SO4 कितना हो गया, 1, SO4 कितना है, तो क्या होता है, हमेशा K2SO4 होता है। तो आपको यहां पर KSO4 ना लिख के क्या लिखना होगा बेटा, K2SO4 लिखना होगा, K2SO4, ठीक है ना। शुद्ध आपका अणुसूत्र क्या होता है, K2SO4। अब यहां पर समीकरण को संतुलित करना है तो देखो K2 कितने हैं, K कितने हैं, 2, यहां पर K कितने हैं, 1, तो यहां पर क्या लगा देंगे, 2, तो यहां पर MgSO4 प्लस 2K, तो क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस Mg। ये आपका समीकरण बिल्कुल क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा और ये अभिक्रिया आपकी संपन्न हो सकती है, जबकि ये अभिक्रिया कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे दे देता है आपको घुमरा करने के लिए। तो ध्यान रखना है कि अधिक अभिक्रियाशील ही अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर सकती है, विस्थापित कर सकती है। कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को कभी हटा नहीं सकती है, ये आपको बात ध्यान रखनी है बेटा। तो ये अभिक्रिया इस तरीके से पूर्ण नहीं होके इस तरीके से क्या होगी, ये पूर्ण होती है। तो ये आपकी अभिक्रिया कौन सी होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया है ये, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर, तो ये आपके
कुछ विस्थापन अभिक्रिया के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं जिसको आपको समझने होता है। आपको इस अभिक्रिया के अंदर भी देखो क्या दिख रहा है, एक जोड़ा दिखाई दे रहा है, एक अकेला दिखाई दे रहा है, एक जोड़ा दिखाई दे रहा है और एक आपको जोड़े का मतलब क्या होता है, एक तो धनायन है और एक क्या है ऋणायन है। इधर भी एक धनायन है और एक ऋणायन है, मम्मी और पापा और एक तीसरा व्यक्ति अकेला है, ये भी मम्मी पापा हैं और तीसरा व्यक्ति यहाँ पर क्या है अकेला है। अब ये तीसरा व्यक्ति जो होता है ये हमारे पापा को हटा देता है, उसके स्थान पर खुद क्या हो जाता है जुड़ जाता है। क्लियर? तो बेटा ये आपको आपकी यहाँ पर पूरी होती है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। मैं मानता हूँ कि समझ में आ गई होगी, यदि नहीं है तो आप मेरे से फोन करके पूछ सकते हो। तो बेटा विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर पूर्ण होती है। उसके बाद में अब एक अन्य टॉपिक होता है जो इन्हीं अभिक्रियाओं से रिलेटिव है और वो होता है आपका सक्रियता श्रेणी, जिसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।